मैं रामजीत पटेल, राजस्थान पंचायत सहायक महासंघ प्रदेश अध्यक्ष युवा कार्यकारिणी। आज हम लोगों का जो ये काली पट्टी बांधकर जो रोष है, नाराजगी है सरकार के प्रति, इसके पीछे प्रमुख कारण ये है कि सरकार हमारा जो नियमितीकरण है उसकी ओर ध्यान दे। ध्यान आकर्षण के लिए हम लोगों ने काम किया है, क्योंकि आने वाली 22 मई को हमारे 3 साल संविदा पर नौकरी करते हुए पूरे हो जाएंगे। उसके बावजूद हम कोरोना वॉरियर्स के रूप में ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमें कोरोना वॉरियर्स की लिस्ट से बाहर रखा है। जो उन लोगों ने लिस्ट बनाई है कि उसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह हैं, पुलिस है, उसमें हम लोगों को बाहर रखा है। लेकिन हम होम आइसोलेशन, सर्वे ड्यूटी, निगरानी दल और कंट्रोल रूम में हमारे साथ ही लगातार ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमें बाहर रखा। 50 लाख के इंश्योरेंस को लेकर हमारे संविदा कर्मियों के प्रति अभी सरकार ने कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए, सिर्फ मौखिक रूप से अधिकारी टालम टोल कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि आप उस दायरे में हैं, लेकिन ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं है। अगर हमारे किसी साथी को संक्रमण होने की संभावना रहती है तो उसको इस तरह के लाभ से वंचित रखा गया फिलहाल। और हमारे जो कार्यकाल वृद्धि के आदेश हैं वो भी अभी कार्यालयों में नहीं आए। दूसरी बात, हमारे लगभग 1 से 1.5 साल 12 महीने 6 महीने से कई जगह टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो भुगतान नहीं कर पा रहे हैं सेक्रेटरी और सरपंच मिली भगत से, जल्द से जल्द पूरे हो। हमारा सिर्फ ये रोष है, हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस महामारी में कोरोना योद्धा, कोरम वीर के रूप में भूमिका निभा रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और जय संघ, जय संघर्ष।